नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड क्या होता है। थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड के दो और नाम हैं, डाइट्री इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, DIDST इनकी शॉर्ट फॉर्म है। मेन तो थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड, जिसे TEF भी बोल देते हैं, वो होता है खाना पचाने में हमारे शरीर ने कितनी ऊर्जा खर्च करी, खाना पचाने के लिए हमारे शरीर ने कितनी कैलोरीज खर्च करी। ये लगभग जितनी कैलोरीज हम खाते हैं उसका 10% के आसपास बैठता है। जैसे अगर आपने 2000 कैलोरी खाई तो करीब 200 कैलोरी उस खाने को पचाने में चली जाएगी, मतलब 200 कैलोरी उस खाने को पचाने में खर्च हो जाएगी। तो लगभग 1800 कैलोरी आपके शरीर में बाकी चीज़ों के लिए बचेगी। मतलब खाने को पचाने से मतलब ये है कि खाने को पचाया, उस खाने को शरीर ने सोखा, मतलब आपकी आंतों से वो खाना सोखा गया, उसे उसमें जो ज़रूरत की ऊर्जा थी उसे शरीर में स्टोर करके रखा गया, शरीर में जमा करके रखा गया, आगे कभी काम आया उसके लिए। इस पूरी चीज़ में लगभग 10% कैलोरी जितनी आप खाते हैं उसकी 10% कैलोरी खर्च हो जाती है। प्रोटीन जो है, अब जो खाने में प्रोटीन खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी खर्च होती है। मतलब कहने का मतलब, अगर आपने 100 ग्राम प्रोटीन खाया, प्रोटीन में 20-35% आपने जितनी कैलोरी प्रोटीन से खाई उसकी 20-35% उस प्रोटीन को बचाने में ही खर्च हो जाएगी। मतलब अगर आपने 100 ग्राम प्रोटीन खाया जिसमें 400 कैलोरी होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, तो 80-140 20-35% जो कि 400 कैलोरी है, 20-35% है, 80-140 कैलोरी इस 100 ग्राम प्रोटीन को पचाने में खर्च हो जाएगी। कुल मिलाकर जो हमें 400 कैलोरी दे रहा था उसमें, उन 400 कैलोरी में से 80-140 कैलोरी उसे पचाने में ही खर्च हो जाएगी। सबसे ज़्यादा कैलोरी प्रोटीन को पचाने में खर्च होती है, जो प्रोटीन से कैलोरी हमारे शरीर में आ रही है उसे पचाने में कैलोरी खर्च होती है। नंबर दो का है कार्बोहाइड्रेट। जितनी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आ रही है उसकी 5-15% कार्बोहाइड्रेट को बचाने में खर्च होती है। मान लो 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाए, 400 कैलोरी आई शरीर में, तो इसकी 5-15% हो गई 20-60 कैलोरी। तो मतलब अगर हमने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाए उनसे 400 कैलोरी आई, तो उसमें से 20-60 कैलोरी तक उन कार्बोहाइड्रेट को बचाने में ही खर्च हो जाएगी, पचा के शरीर में मतलब जमा करके रखने में, जितना भी उसका काम करना है ना उसमें, पचाना, शरीर में सोखना, उसे जमा करके रखना, वो सब मिला करके। तीसरे नंबर पे आता है फैट। फैट में भी 5-15% खर्च होती है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही खर्च होती है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं होती है। तो सबसे कम जो ऊर्जा खर्च होती है, सबसे कम जो कैलोरी खर्च होती है वो फैट में होती है। मान लो 45 ग्राम फैट खाया, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, तो 405 कैलोरी हुई 45 ग्राम फैट में, लगभग 400 मान लो, ये तीनों बराबर रहे इसलिए मैंने 45 ग्राम फैट लिया है। तो अगर हमने फैट से भी 400 कैलोरी खाई है तो उसमें 20-60 कैलोरी उस फैट को पचाने में खर्च होगी, पर ये ज़्यादा से ज़्यादा इतनी खर्च होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। ये कह लो 20-60 ऊपर में ही है, ज़्यादा में ही है, इससे कम ही खर्च होगी। ऐसे तो सबसे कम कैलोरी खर्च होती है फैट को पचाने में, सबसे ज़्यादा कैलोरी खर्च होती है प्रोटीन को पचाने में। क्या इसका मतलब है कि हम ज़्यादा प्रोटीन खाने लग जाएं और कम फैट खाने लग जाएं, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन खाने से हम बिना कुछ करे दिन की 150 कैलोरी ज़्यादा बर्न कर देंगे? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो ज़्यादा प्रोटीन खाने के अपने कुछ नुकसान हैं। ज़्यादा प्रोटीन खाना आपके शरीर में ऐसे कोई, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ज़्यादा खाते जाओ 200 ग्राम खा रहे हो या 150 ग्राम खा रहे हो तो फ़ायदा ही फ़ायदा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा प्रोटीन खाने के भी अपने नुकसान हैं। तो ये पूरा वीडियो किस लिए है? जब हमें प्रोटीन बढ़ाना नहीं है, फैट कम नहीं करना, तो ये पूरा वीडियो किस लिए? पूरा वीडियो सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक बात पता हो कि खाने को बचाने के लिए लगभग 10% जो कैलोरीज आपने खाई है उसकी, उसको बचाने में खर्च हो जाती है, और उसे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं अंग्रेजी में। बस ये पता करने के लिए आपको अपने खाने में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं, वो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ये सिर्फ पता होने के लिए। मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकाली जाती है, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरे दिन की जो मेंटेनेंस कैलोरी होती है उसमें हम
जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है, 10% कैलोरी जो हम खाना पचाने में खर्च करते हैं उसे भी जोड़ते हैं, उसी के बारे में आज मैंने थोड़ी डिटेल में बात करी है। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही पता करना है कि खाना पचाने में लगभग 10% खाना खर्च हो जाता है, बस इससे और कुछ पता नहीं करना कि प्रोटीन ज़्यादा खाना है या फैट कम खाना है या कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है या कुछ कम करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये पता करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन चालू कर लो, मैं अगले वीडियो में।